हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन है और देखिए, जो लोग उभरा हुआ डिज़ाइन पहनना पसंद नहीं करते हैं, ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए है। तो ये डिज़ाइन देखिए, इस तरह से ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है और थोड़ा सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन किसी में भी आप इसको डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो राइट साइड से हमारा ये पैटर्न देखिए ऐसा दिखाई देता है और रॉन्ग साइड से मैं आपको दिखा दूं, ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसको डालने के लिए आप चार के जोड़े में फंदे लीजिए। फोर के मल्टीपल में आपको स्टिचेस लेने हैं और कोई भी फंदा आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो चलिए पैटर्न डालना शुरू करते हैं। देखिए, राइट साइड से हमारा ये पैटर्न शुरू होगा। तो पैटर्न डालने के लिए ये मैंने 16 फंदे लिए हैं, 16 स्टिचेस मैंने ये लिए हैं। और देखिए, राइट साइड से हमारी पैटर्न की ये फर्स्ट रो है। पहला फंदा अगर आप बुनना चाहें तो बुन लें, और मैं इस फंदे को स्लिप कर रही हूँ। तो पहला फंदा हमने ये बिना बुना उतारा। अब वूल हम अपनी साइड लाएंगे और अगले ये दो फंदे, ये दोनों फंदे हमें एक साथ लेने हैं बैक लूप से। इस तरह से लेंगे बैक लूप से। वूल हमारा देखिए अपनी साइड रहेगा और दोनों फंदे हमने ये बैक लूप से लिए और ये दो का एक बुन लिया। अब देखिए, इन्हें सिलाई पर से गिराएंगे और आगे वाला फंदा फिर से ले लेंगे ऐसे, और इसको एक बार फिर से बुन लेना है। अब दोनों फंदे सिलाई पर से गिरा देंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से वूल को अपनी साइड लाएंगे। अब ये दोनों फंदे हम फिर से लेंगे एक साथ पीछे से, बैक लूप से लेने हैं। ध्यान रखिएगा, आगे से इस तरह से नहीं लेना है, ऐसे लेना है। और दो का एक बुना। अब इस आगे वाले फंदे को एक बार फिर से लेना है सिलाई पर और एक बार और बुन लेना है। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे। बुल अपनी साइड लाए, ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे और पीछे से दो का एक बुनेंगे। अब दोनों फंदे सिलाई पर से गिराए और इस फंदे को फिर से उठाया और ये एक बार फिर से बुन लिया। लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। राइट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए। रॉन्ग साइड पर देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बुने। अब ये जो लपेटा हुआ फंदा है, ये वाला, इसको हमें स्लिप कर लेना है ऐसे। फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और ये जो लपेटा हुआ फंदा है इसको हमें स्लिप कर लेना है। फिर से चार फंदे उल्टे बुनेंगे, ये लपेटा हुआ फंदा स्लिप करेंगे, अब ये लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, अगली सिलाई राइट साइड से, पहला फंदा स्लिप किया, ये दूसरा फंदा लपेटा हुआ ये भी स्लिप किया। अब अगले दो फंदे ये वाले, इनको सीधा बुन लेंगे। अब ये वाला जो लपेटा हुआ फंदा था, इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, लपेटे हुए फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर लेंगे और ये अगले दोनों फंदे सीधे बुनेंगे।
अब ये लपेटा हुआ फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर लिया और ये दो फंदे सीधे बुने। अब इस फंदे को इनके ऊपर से गिरा देंगे, लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अब अगली सिलाई, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप किया और ये पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन लेनी है। पूरी सिलाई हम उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अगली सिलाई राइट साइड से। अब हमें पैटर्न की जगह चेंज करनी है। अभी हम पैटर्न यहाँ पर डाल रहे थे, अब हम इन दो फंदों पर पैटर्न डालेंगे जो फंदे हमने सीधे बुने थे पहले। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे सीधे बुने। वूल को अपनी साइड लाएंगे। अब इन दोनों फंदों पर हम पैटर्न डालेंगे। तो दो फंदे बैक लूप से दो का एक किया, इस फंदे को फिर से लिया और एक बार फिर से बुन लिया। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे। वूल अपनी साइड लाएंगे, ये दो का एक करेंगे, इस फंदे को एक बार फिर से बुन लेना है। ये दो फंदे सीधे बुनेंगे और ये लास्ट फंदा ये भी सीधा बुन लेंगे। अगली सिलाई बैक साइड से देखिए। पहला फंदा स्लिप किया, अब चार फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन चार। ये लपेटा हुआ फंदा स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे। लपेटा हुआ फंदा स्लिप किया, फिर ये तीन फंदे उल्टे बुने। अगली सिलाई राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये लपेटा हुआ फंदा बाएं हाथ की सिलाई पर लिया और दो फंदे सीधे बुन लिए। अब इस फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस फंदे को स्लिप किया ये जो लपेटा हुआ था और ये दो फंदे सीधे बुने। अब इस फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा दिया। अब ये लास्ट के तीनों फंदे सीधे बुन लेंगे। अब अगली सिलाई रॉन्ग साइड से देखिए। पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते जाना है तो पैटर्न आता जाएगा। अब फिर से हम इन दो फंदों पर पैटर्न डालेंगे। ये दो फंदे पैटर्न के हैं और ये दो सीधे बुने जाएंगे। फिर इन दो पर पैटर्न आएगा, ये दो सीधे बुने जाएंगे और इन दो फंदों पर पैटर्न आएगा। तो मेरा ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।